हर किसी के जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित होता है कि जिसे याद करके आज भी उनकी रूह थरथरा कर कांपने लगती है। ऐसी ही एक स्टोरी मुझे बताई है विनोद जी ने। विनोद जी के जीवन में भी एक ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी की जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसा क्या हुआ था विनोद जी के साथ? आजकल विनोद जी के कंपनी में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो उस वजह से उन्हें काफ़ी टेंशन आ गया था और काम में भी मन नहीं लग रहा था और रात को उन्हें नींद भी नहीं आती थी। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि अभी जो भी काम है उसे पेंडिंग पर डाल दूंगा और शिमला में ट्रिप पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर चला जाऊंगा। तो विनोद जी ने वैसा ही किया, वो शिमला में चले गए और एक अच्छा सा मकान देख के बुक कर लिया 7-8 दिन के लिए। 7-8 दिन के लिए एक मकान बुक कर लिया और उन्हें वो काफ़ी सस्ते रेंट पर मिल गया और शिमला से थोड़ी बाहर मिल गया, मतलब शिमला से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें वो बंगला मिल गया कि जिसमें वो रह सकते थे। तो उस रात भी वो सो रहे थे, लेकिन उस रात में उनको रात के 12 बजे अचानक नींद खुल गई उनकी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर वो किताब पढ़ने लगे, किताब पढ़ते 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 उन्हें प्यास लग गई। वो प्यास पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी, जैसे ही कोई फ्रिज के पीछे से बोल रहा है, मतलब जो हॉल है, हॉल में एक दरवाज़ा था फ्रिज किचन और हॉल को अटैच करने वाला, तो उसके पीछे कोई बोल रहा है। तो उन्होंने जाकर देखा तो उनकी बेटी जो है वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन कौन था वो विनोद जी को भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अकेले में ही बड़बड़ कर रही है, अकेले में ही बात कर रही है, अपने आप से ही बात कर रही है। तो विनोद जी ने अचानक हॉल के लाइट लगा दी तो ना ही वहाँ पे उनकी बेटी थी और ना ही कोई और। तो ये देखकर तो विनोद जी की आंखें फटी की फटी रह गई, वो काफ़ी डर गए और भागते हुए अपनी बेटी के रूम में गए कि वो अभी क्या कर रही है। तो वो सुकून से सो रही थी, लेकिन उसके बाजू में जो खिड़की थी उस खिड़की में एक लड़की को उन्होंने देखा जो कि उन्हें काफ़ी देर से घूर रही थी। तो उन्होंने उनके बेटी के रूम के लाइट ऑन किए तो उस खिड़की के बाहर की जो लड़की है वो भी वहाँ से गायब हो गई। विनोद जी देखकर काफ़ी डर गए और सोचने लगे शायद ये काम का ट्रेस था जिसकी वजह से मुझे वहम होने लगे हैं। तो विनोद जी भी अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। अब उन्हें वो बीमारी लग गई थी कि रात को 12 बजे के बाद उन्हें नींद नहीं आती थी। तो फिर सुबह हो गई, सुबह होने के बाद वो अपनी सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने गए, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी से वो मिलने गए उनकी बेटी के बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रही थी, हंस रही थी। उन्होंने किसी तरह डॉक्टर को बुलाकर उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला दिया, लेकिन विनोद जी को अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये शायद मेंटल केस है, हमें इन्हें पागलखाने में भर्ती करना होगा। तो विनोद जी ने साफ मना कर दिया, मेरी बेटी कल तक तो ठीक थी, आज अचानक कैसे ये सब हो गया, तो मैं अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास इसे दिखाऊंगा, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो विनोद जी ने ऐसा कुछ कहा और डॉक्टर वहाँ से चले गए और वो भी उनके बेटी के पास ही बैठे रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे और रात हो गई। रात के समय भी विनोद जी ने उसे खाना खिलाया और सुला दिया और जैसे ही वो खिड़की के सामने बैठे थे तो उन्हें वो लड़की फिर से दिखाई दी। जैसे इस बार वो खिड़की खोल के देखने लगे कि ये लड़की है कौन, तो जैसे उन्होंने खिड़की खोली तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई, लेकिन उनकी जो बेटी है वो हवा में उड़ने लगी और अजीब गरीब आवाज़ें निकालने लगी। पहली बार विनोद जी को उनकी बेटी को देखकर डर लगा था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, वहाँ के केयर टेकर और उनकी माँ और उनकी पत्नी सब आ गए और वो भी उस हालत में उस लड़की को देखकर काफ़ी डर गए। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी की गर्दन टेढ़ी हो गई थी, शरीर ठंडा पड़ गया था, उसकी सांस रुक गई थी, उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने उस केयर टेकर से पूछने के लिए पूछा तो पता चला कि उस केयर टेकर की तो मौत कई सालों पहले ही हो चुकी है, वो केयर टेकर वहाँ से फरार है और वो जो बंगला है वो कब्रिस्तान के ऊपर बना है, तो इसीलिए वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी। तो आप भी कभी अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी लेने हो तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक कर लिए कि क्या पता कि ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।